दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज चुनाव नामांकन का आखिरी दिन था। हम सुबह वसई तहसील कार्यालय के वहां वसई अंतर्गत जो नामांकन हुए उसकी रिपोर्टिंग में थे। आपको हमने बताया, वो आपने देखे हैं दूसरे वीडियो में। वही हमारी एक टीम जो नाला सुपारा के नामांकन देख रही थी, तो वहां नाला सुपारा में भी आज प्रहार जनशक्ति पार्टी से धनंजय गावड़े ने अपना नामांकन भरा। धनंजय गावड़े ने भी एक अच्छा खासा शक्ति प्रदर्शन किया। धनंजय गावड़े काफी चर्चित रहे हैं, उनके बारे में आप सभी जानते हैं। बीते कई दिनों से चल रहा था कि धनंजय गावड़े अपनी एक सामाजिक संस्था है उसके बैनर तले अपक्ष अपना नामांकन भरने वाले हैं, और इसी बीच कल धनंजय गावड़े को प्रहार जनशक्ति पार्टी, जो कि बच्चू कड़ू जिसके अध्यक्ष है, उनकी पार्टी ने उनका अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया और आज सुबह धनंजय गावड़े ने अपना नामांकन भरा। देखिए धनंजय गावड़े के नामांकन से जुड़ी ये पूरी कवरेज। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे लड़त जो है वो जो प्रस्तापित लोग हैं, इन प्रस्तापित लोगों के खिलाफ हमारी प्रहार जनशक्ति पार्टी जो है वो मैदान में उतरी है। इनके जो भ्रष्ट व्यवस्था है 35 सालों की और जो जनता यहाँ की भुगत रही है उसके खिलाफ हम लोग ये विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। सर, यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, सड़क के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे हैं, अस्पताल के मुद्दे हैं, और कल जब नॉमिनेशन था सत्ता पक्ष का तो हमने प्रवीणा ठाकुर से भी सवाल किया, कॉलेज, सरकारी कॉलेज और स्कूल को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। पत्रकारों के सवाल का जवाब कह सकते कि नहीं दे पाई वो, और उन्होंने बोला कि 75,000 जो विद्यार्थी है उनके लिए हितेंद्र ठाकुर ने एक मतलब बढ़िया कॉलेज और स्कूल की व्यवस्था की। इसके अलावा जब खड्डों की बात की गई सड़क पे तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि सड़क पे खड्डे तो हमेशा होते ही हैं, तो कौन सी जगह पे पानी नहीं भरता है, कौन सी जगह पे खड्डे नहीं होते। देखिए ये जो आपने अभी सवाल पूछा है कि इतनी सारी समस्याएं हैं, तो ये और उसके ऊपर हमारी जो प्रथम महिला महापौर थी जो प्रवीणा ताई ठाकुर, इन्होंने जो उत्तर दिया इसे ही अहंकारी सत्ता बोलते हैं। गरीबों के लिए क्या किया इनका उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनके फैमिली ने अपने फैमिली के लिए कौन कौन सा प्राइवेट कॉलेज खोला, क्या खोला ये बोला। क्या उधर मुफ्त में शिक्षा दी जाती है करोड़ों लाखों रुपए की, वहाँ पर फीस ली जाती है, डोनेशंस लिए जाते हैं। तो ये सब मामला जो है लोगों के सामने है, ऐसे कई मामले जो है लोगों के सामने उजागर करेंगे और हमें विश्वास है कि वसई की जनता इसके आगे प्रहार जनशक्ति पार्टी के पास एक पर्याय की तरह देखेगी। विकास के मुद्दे पर ही हर पक्ष अपना चुनाव लड़ रहा है। क्या धनंजय गावड़े को जिस तरीके से उनके अलग अपनी जो कार्य नीति है धनंजय गावड़े की, जहाँ तक वो लोगों से जुड़े हैं और लोगों से जब हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो लोग बोलते हैं कि धनंजय गावड़े की नीति और कार्यशैली दोनों बहुत अलग तरीके की होती है, तो क्या सिर्फ विकास का ही मुद्दा चलेगा, सिर्फ सड़कों का मुद्दा चलेगा, या इससे आगे भी कुछ अलग मुद्दे लेकर धनंजय गावड़े जनता के बीच में डोर टू डोर कनेक्ट होंगे? विकास का मुद्दा तो रहेगा, वो तो अहम मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के रोजमर्रा के जिंदगी से वो मुद्दा जुड़ा हुआ है। आप घर से निकलते हो, रास्ते पर आते हो, ट्रैफिक जाम रहता है, रास्ते ढंग के नहीं होते हैं, फेरी वाला जोन नहीं है, रास्ते पर फेरी वाले बैठते हैं, आने जाने वाले को वो तकलीफ होती है, फेरी वालों को लोगों की तकलीफ होती है, पर घर में पानी नहीं है, बिजली की समस्या है, कितनी समस्या गिना है। ईस्ट और वेस्ट में जाने के लिए एक ही ब्रिज है। अगर हादसा होता है तो पूरी कनेक्टिविटी टूट जाएगी ईस्ट और वेस्ट की, यह हालत है। ठाकुर साहब का जो सपना था रिंग रोड बनाने का, रिंग रोड तो बना नहीं, लेकिन रिंग रोड पर सब चालियाँ तो बन गई। तो ये सब समस्या है, रोजमर्रा की समस्या है। आप अगर जितने भी जहाँ से हम जब खाड़ी क्रॉस करते हैं वहाँ से मालजी पाड़ा और ये सब वहाँ से अगर शुरू करते हैं, आप घूमो वहाँ की चालियों में, मतलब जानवर भी जहाँ पसंद नहीं करेंगे रहने को, ऐसी बदतर हालात में लोग रह रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका, इसके कार्यकाल में ये सब झुग्गी झोपड़िया बने। अगर मान लो आप अगर चुनके आ गए तो इसके बाद आपका इसका जो कदम क्या रहेगा, ये सब आपने जो बताया था। सबसे पहले तो अनधिकृत बांधकाम जो है वो रोकना बहुत, क्योंकि उसमें से तो ना टैक्स आता है ना कुछ आता है, पालिका को
उनके लिए जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, तो उसके ऊपर रहेगा। और पानी, भ्रष्टाचार जो है, रोड वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी, आप मुंबई जाओ जो बाजू में नगर पालिका है अपनी मीरा भाईंदर, उधर जाइए, थाना में जाइए, अच्छे क्वालिटी के रोड दिखते हैं। हमारे इधर एक भी रोड 100 मीटर का पैच भी ऐसा नहीं रहेगा कि वो प्लेन रहेगा, उसमें 10 पैच रहेंगे। तो ये सब जो है, ये व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी पूरी, तो ही ऐसा काम होगा। जो मुद्दा है वो काफी यहाँ पर नाला सफारा में बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि 6000 परिवार और 15000 लोगों की आबादी उसमें बसती है। तो जिस तरीके से उस पर जो अभी थोड़ा कार्रवाई की जो तलवार है सर, उसको लेकर धनंजय गावड़े आपके पक्ष की क्या भूमिका रहेगी? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, देखिए हमारी भूमिका, हम सत्ता में नहीं है, हम विरोधी में है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि 2015 में मनपा की सत्ता किसके पास थी? कौन वहाँ पर, कौन से नगर सेवक, कौन से पार्टी के नगर सेवक ने ये 41 बिल्डिंगें बनाई? क्या वहाँ के जो लोकल नगर सेवक थे बहुजन विकास आघाड़ी के, सोए थे? प्रशासन किसका था? राक्षसी बहुमत है उनके पास, तो कौन, पूरा टाउन प्लानिंग उनके हाथ में है। एक रिजर्वेशन के ऊपर 41 बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, वहाँ पे बोगस सीसी के द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है। क्या ये सब सत्ताधारी पार्टियों को मालूम नहीं था कौन 200 रुपया फुट पैसा जमा करने जाता था? तो ये सब चीज़ें हैं, लोगों को इससे अवगत कराना है कि ये आपके रहनुमा नहीं है, ये आपके हित चिंतक कभी हो नहीं सकते, ये व्यापारी और लुटारू है, ये लोगों को सर। चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।